हाँ जी बच्चे, चलिए स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज मेथड सिखा दिया है, न्यूमेरिकल बता दिए हैं। कुछ दो चार क्वेश्चन और आज की क्लास में करेंगे और आज न्यूमेरिकल को परसेंटेज मेथड को कंप्लीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, आप भी साथ साथ ट्राई करते रहेंगे, अब मैं भी कर रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। क्या द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द 15 रुपीज पर यूनिट। प्राइस बचे आपका 15 रुपए। P इक्वल्स टू 15 रुपीज है पर यूनिट एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज 500 यूनिट्स। Q आपका है 500 यूनिट्स। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइज बाय 80 यूनिट्स। तो बच्चे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड राइज बाय, बाय मींस क्या है, चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या है, 80 यूनिट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन इट्स प्राइस बाय 20%। एज अ रिजल्ट ऑफ अ फॉल इन द प्राइस बाय 20%, तो क्या है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना है बच्चे हमारे पास में, 20%। कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब पूछ रहा है क्या इज इट्स डिमांड इज इनलास्टिक और हमें रीजन देना है। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा मेथड आपको लगाना है, आप अपने क्वेश्चन में देखो कि आपके क्वेश्चन में परसेंटेज वर्ड मेंशन आ गया ना, परसेंटेज वर्ड आ गया ना, तो मतलब क्या फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगाएंगे ईडी कैलकुलेट करने के लिए। ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है बच्चे। हाँ एग्जाम्पल 5 जो 6 है बिल्कुल सेम ही है, तो जो सेम है उसको हम ड्रॉप करेंगे। देखो बच्चे अब मेरे पास है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, मुझे वो पहले फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ये फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है नहीं है, तो हम कैलकुलेट कर तो सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100। आप देखें बच्चे चेंज इन क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में, 80 अपॉन 500 इंटू 100। सॉल्व करेंगे आप 16% आ गया। अब फॉर्मूले में बस आपको इसको इंप्लीमेंट करना है और कुछ नहीं रह गया। अब आपका ईडी इक्वल्स टू 16 बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऑलरेडी ये मैंने 20, क्लियर है। तो क्या आ गया आपके पास में, 0.8, ठीक है, क्लियर है। सॉल्व करेंगे, ईडी इज लेस देन 1, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे इनइलास्टिक, ठीक है बच्चे, जो भी 1 से लेस वैल्यू है। अब सिमिलर क्वेश्चन नहीं करेंगे, 4-5-7 क्वेश्चन कर चुके हम ऐसे क्वेश्चन। अब देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्राइस इज अ 10 रुपीज पर यूनिट टाइप टू। प्राइस गिवन है बच्चे आपके पास पे 10 रुपीज पर यूनिट एंड डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इज क्यू इक्वल्स टू आपके पास में 100 यूनिट्स है, ठीक है। एज द प्राइस फॉल्स टू, टू मीन्स क्या होता है, अब नई प्राइस है, टू मीन्स न्यू, 8 रुपीज पर यूनिट है।
डिमांड एक्सपेंड टू, अब डिमांड एक्सपेंड टू, टू मीन्स क्या, न्यू क्यू वन, बाय मीन्स चेंज होता है 150 यूनिट्स. कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या कैलकुलेट करना है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है बच्चे, क्लियर है. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जरा बताओ. हाँ, क्योंकि कहीं पर भी परसेंटेज नहीं आया ना, तो सेकंड डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू. खैर फर्स्ट भी कर सकते हैं, कोई उसमें मना नहीं है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी निकाल सकते हो आप, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल सकते हो आप, और उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, और दूसरा क्या आपके पास में, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो. बट कन्वीनियंट क्या रहेगा आपके लिए, मैं वो कह रहा हूं कि आपके लिए देख लो, जो परसेंटेज नहीं है तो आप फॉर्मूला नंबर टू लगा दो. सॉल्व करेंगे यहां पे बच्चे, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू क्या हमारे पास में 50, डेल्टा पी क्या हमारे पास में 2 इंटू ओरिजिनल प्राइस क्या है एंड ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है. क्लियर है बच्चे, सॉल्व करते हैं. टू पॉइंट फाइव, तो ईडी की वैल्यू क्या है, मोर देन वन है ना, ईडी इज मोर देन वन. तो कैसा नेचर हो गया इसका, इलास्टिक नेचर हो गया. जो बच्चे बीच में ज्वाइन हुए या फिर रिसेंट क्लासेस लिए, प्लीज फर्स्ट क्लासेस देखो, वीडियो क्लासेस आपके पास अवेलेबल है, उसका फायदा उठाइए और फिर पूरा समझ में आएगा आपको. व्हेन प्राइस ऑफ अ शुगर इज द 5 रुपीज पर केजी, इट्स डिमांड इज 50 केजी. अब देखो, व्हेन प्राइस ऑफ अ शुगर, प्राइस क्या है आपके पास में 5 रुपीज पर केजी, इट्स डिमांड इज 50 केजी, क्यू इक्वल्स टू 50 केजी. व्हेन प्राइस राइज बाय 5 रुपीज पर केजी, ये क्या है, बाय, बाय मीन्स क्या है, अब नई कीमत है या फिर चेंज इन प्राइस है. एंड डिमांड फॉल्स बाय, बाय मीन्स चेंज होता है, और टू मीन्स नए वाला होता है. डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 10 केजी. अब ऑब्वियसली फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हैं आप, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू. ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है आपके पास में 10, डेल्टा पी क्या है 5, ओरिजिनल प्राइस क्या है 5, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है 50. ठीक है बच्चे, 1 आ गया ना, तो ईडी की वैल्यू 1 मीन्स, 1 मीन्स क्या होता है, यूनिट. यूनिट इलास्टिक. ठीक है बच्चे, नोट भी करना है, सेम क्वेश्चन चल रहा है, चलो करो. डन बच्चे, ठीक है. डेल्टा क्यू क्या 10, डेल्टा पी क्या आपका 5, 5 × 10, एक सेकेंड, कैलकुलेशन देखो बच्चे. टू इंटू 1/10 पाई, 0.2 है बच्चे इसकी ईडी. ठीक है ना, क्लियर है, 0.2 है ईडी. कैलकुलेशन देख लेना लास्ट में बस. अब सिमिलर क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चे, स्किप करता हूं मैं. अब इस बार क्या है बच्चे, ध्यान सुनो, इस बार आपको ईडी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट नहीं करना, आपको इस पर गिवन होगा. इस बार आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट नहीं करना, इस बार आपको क्या है, ये गिवन है. और कुछ एक इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, लाइक ओल्ड प्राइस क्या है या न्यू प्राइस क्या है, ओल्ड क्वांटिटी क्या है, न्यू क्वांटिटी क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन वहां से पूछेगा आपसे. तो बहुत सिंपल है, आपको पहले यही डिसाइड करना पड़ेगा फॉर्मूला आपने कौन सा लगाना है. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे आप. When the price of a x is the 5 rupees, तो p equals to क्या है आपका
₹5. द कंज्यूमर बायज 100 यूनिट्स ऑफ अ गुड एक्स, क्वांटिटी क्या आपके पास में 100 यूनिट्स, एट व्हाट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज, एट व्हाट प्राइस, मुझे नहीं पता किस प्राइस की बात कर रहा है, एट व्हाट प्राइस वुड ही बी विलिंग टू परचेज 140 यूनिट्स ऑफ द गुड एक्स, कितनी यूनिट खरीदे वो 140 यूनिट, किस कीमत पे खरीदेगा वो, किस कीमत पे, वो कीमत तो बताओ, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, सवाल समझ में आया क्या है, पहले प्राइस क्या था आपका ₹5, पहले कितनी क्वांटिटी की डिमांड करते थे आप 100 यूनिट्स, अब प्राइस क्या आपके पास में पता नहीं, लेकिन क्या प्राइस अब होगा जिससे कि आप 140 यूनिट की डिमांड करने लग जाए, समझ में आया आपको, और कह रहा है ईडी हम बता रहे हैं आपको 2 है, तो आप करंट वाला प्राइस क्या आया वो आप बता दो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहेंगे आप, फॉर्मूला कौन सा, सेकंड, क्योंकि परसेंटेज तो कहीं भी नहीं है, पहले देखो सेकंड लिखेंगे आप, ईडी इक्वल्स टू, अब देखो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ध्यान समझो मैं फॉर्मूले में माइनस का साइन नहीं लगा रहा हूं, बोलो सर अभी तो लगाया आप क्यों नहीं लगा रहे हो, अगर आपकी ईडी नेगेटिव गिवन होगी माइनस के साइन के साथ में गिवन होगी तो फॉर्मूले में माइनस का साइन लेके चलना और ईडी की वैल्यू रखना, अगर आपके ईडी पॉजिटिव गिवन है तो फिर आपको फॉर्मूला आपका पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक है, तो आपके बुक में आप सवाल है कि नेगेटिव ईडी गिवन होगा या पॉजिटिव, ये हर क्वेश्चन पे उनकी अपनी मर्जी है, कई बार नेगेटिव भी आ जाता है कई बार पॉजिटिव भी आ जाता है, ठीक है ना, किताब में भी देखेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चे, तो इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ कि ईडी पॉजिटिव है, तो आइए सॉल्व करते हैं, ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू पता है बच्चे क्या है आपका 40 यूनिट्स, डेल्टा पी, क्या डेल्टा पी पता है आपको, जब नई प्राइस ही नहीं मालूम तो कैसे बता सकते हो कितना चेंज आया, तो मुझे जो चीज नहीं पता सो नहीं पता, एक्स वगैरह लेट मत करना इसको, ऐसे ही फंसोगे आप, क्लियर है, एक्स वगैरह लेट मत करना, करोगे तभी आंसर निकाल लोगे, बट कई बार आपसे गलती हो जाएगी, आपको ये नहीं बताना कि आपको 5 में से आपको एक्स माइनस करना है, एक्स में से 5 माइनस करना है, ना तो हमने नीचे से ऊपर माइनस करा तो यहाँ पे एक्स माइनस 5 होगा, कई बार आप 5 माइनस एक्स ले लोगे आपसे गड़बड़ हो जाएगा साइन का, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो चीज नहीं पता डेल्टा पी नहीं मालूम तो नहीं मालूम, आप जबरदस्ती इसको एक्स मानने की कोशिश मत करो, इनटू ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है बच्चे, ईडी तो गिवन है ना हमारे पास में 2, ईडी की वैल्यू रख दो, इसमें से एक चीज तो मिसिंग है क्या, डेल्टा पी, वो निकाल लेते हैं, ठीक है सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 दुनी 10, 2 दुनी 4, 2 से 2 कट गया, डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर है, डेल्टा पी क्या आया आपका 1, डेल्टा पी मीन्स क्या है न्यू प्राइस, डेल्टा पी मतलब क्या है चेंज इन प्राइस, क्या डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में कितना चेंज आया 1 रुपए का, अब देखो मैं न्यू प्राइस निकालना है मुझे, तो ये पहले वाले प्राइस और डेल्टा पी, पहले कीमत थी इतना चेंज आया, अब चेंज तो अगर प्राइस बढ़ा होगा उसको भी कहते हैं चेंज, 1 रुपए का चेंज आया, अब 1 रुपए से प्राइस बढ़ा होगा तो भी कहेंगे भाई 1 रुपए का चेंज है, घटा है तो भी कहेंगे 1 रुपए, हमें मालूम नहीं ना कि प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, बस 1 रुपए का चेंज आया, तो अब देखो डिमांड क्या हुआ, बढ़ा या घटा, बढ़ा, तो मतलब प्राइस क्या हुआ होगा, डिमांड बढ़ा है आपका तो प्राइस भी क्या चेंज आएगा, प्राइस घटा होगा ना, तो मतलब कि प्राइस आपका कम हुआ होगा, तो जो पहले आपके पास पे 5 रुपए था अब 1 का चेंज आया तो अब आपका प्राइस 4 रुपीज है, 4 रुपीज है, ठीक है क्लियर है, नोट कर लो उसके ऊपर, देखो आ कंज्यूमर बायस 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 5 रुपीस, तो भाई क्वांटिटी गिवन है आपको, प्राइस गिवन है, तो प्राइस क्या आपके पास में बच्चे 5 रुपीस, एंड क्वांटिटी क्या आपके पास में 80 यूनिट्स, ठीक है,
पर यूनिट. सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, तो ईडी इक्वल्स टू, सर माइनस में दिया हुआ है आपको, एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 64 यूनिट्स. क्वांटिटी है कि किस कीमत पर ये 64 यूनिट्स बाय करेगा, किस कीमत पे, ये क्वेश्चन मार्क है. तो सेम फॉर्म नंबर 2 पे जाते हैं हम. ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू. ईडी देखो माइनस क्यू लगा, क्योंकि ईडी मेरा माइनस में गिवन है. माइनस डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या है, 16 यूनिट्स. डेल्टा पी आपको पता नहीं है, ओरिजिनल प्राइस 5, ओरिजिनल क्वांटिटी 80. सॉल्व करेंगे, 5 माइनस से माइनस कट गया, एंड आपके पास पे चलो बच्चे 80, 5 और 5 से 5 कट गया आपका. 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा पी, एंड डेल्टा पी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, मतलब 0.5. ठीक है बच्चे, तो प्राइस में कितना चेंज आया आपका, प्राइस में चेंज कितना आया बच्चे आपका, 0.5. पूछ क्या रहा है आपसे, न्यू प्राइस जो कि पी और डेल्टा पी से बनेगा. आप जो डेल्टा पी है वो उसमें ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ है, क्वांटिटी को देखो जरा, रिड्यूस हुआ है, मात्रा क्या हो रही है आपकी, पहले से कम बाय कर रहे हो, तो प्राइस क्या हुआ होगा, बड़ा होगा. कितना बड़ा है बता रखा, चेंज कितना है, तो पी वन इक्वल टू पहले प्राइस क्या था आपका 5 और प्लस 0.5, तो क्या आया 5.5. क्लियर है, समझ में आ गया बच्चे. क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब सिमिलर क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे फिर से. चलिए क्वेश्चन कर लो, कर ही रहे हैं तो प्रैक्टिस. हाँ जी भैया बोलिए, आ गया देख. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी. ईडी सर गिवन है आपको 1. अ हाउसहोल्ड बायस 25 यूनिट्स. क्यू आपको गिवन है 25 यूनिट्स ऑफ द एच प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ द 5 रुपीज पर यूनिट. प्राइस गिवन है आपको आपके पास में 5 रुपीज पर यूनिट. इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइज बाय 1 रुपीज, राइज बाय डेल्टा पी गिवन है ना आपके पास में 1 रुपीज. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल द हाउस होल्ड बाय, कितना खरीदेगा, मतलब नई वाली क्वांटिटी आपको बतानी है. तो बस आप सिंपली करो, ईडी इक्वल्स टू ईडी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू. ईडी, ईडी क्या हमारे पास में बच्चे 1 है ना, ये ना द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी. यूनिटी मीन्स क्या होता है, ईडी 1 है. एंड डेल्टा क्यू क्या हमारे पास में, हमें बच्चे नहीं पता, ठीक है. डेल्टा पी क्या है 1 रुपीज, ओरिजिनल प्राइस क्या है 5, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है 25, अच्छा 25. एंड डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या है आपका 5. अब आपको न्यू क्वांटिटी बतानी है ना, जो कि क्यू एंड डेल्टा क्यू से बनेगा. अब ये प्लस हुआ या माइनस हुआ डिपेंड करता है प्राइस में क्या चेंज आया. प्राइस क्या हुआ आपका, प्राइस लिखा होगा राइज बाय 1 रुपीज, प्राइस बढ़ा 1 रुपए, तो क्वांटिटी कम हुई होगी. तो Q1 इक्वल्स टू पहले वाली क्वांटिटी कितनी थी आपकी 25, अब क्वांटिटी कितनी कम हुई है 5, तो Q1 इक्वल्स टू 20. तो ये आपका ईडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके थे जो आसान ही थे.
बाकी नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो वो करेंगे, ठीक है ना।